आइए जी, मैं बुला रही हूँ कराची की टीम को। और कराची में एक ऐसी सेलिब्रिटी जो एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती है, लेकिन अगर मैं उसके लिए नाश्ता अच्छा ना रखूँ तो उसका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसको इश्क है खाने से। और वो जब वो डाइट करती है तो उससे ज़्यादा बदतमीज़ लड़की कोई नहीं होती होगी, क्योंकि वो इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है। आइए वेलकम करते हैं बहुत ही टैलेंटेड और प्यारी सी, क्यूट सी हमारी रूसा। जब मैं डाइट करती हूँ तो मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। नहीं होती, बताओ सच, सच बताओ। मैं जो कहोगी सच, चिड़चिड़ी नहीं, मैं जो वो विलन कातिल, मतलब मैं टुकड़े कर दूँ मैं, मतलब मेरे लिए सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ। कि किस तरह मैं KFC का बर्गर मंगाऊं, या मैं किस तरह मैं कोई खास ऐसी चीजी सी चीज मंगाऊं जिससे मैं जाऊं स्पेशल मंगाऊं जिससे मैं मोटी हूं, एक्स्ट्रा चीजी, एक्स्ट्रा चीजी हो जाए सारे। एग्जैक्टली, मुझे इतना होता है कि मैं, और जब जीशा ने बोला ना कि हलीम का है, तो मैं कहा ठीक है, अभी मुझे पता चला बनानी है। हाँ ना, ये कि हम दोनों तो कह रहे थे डब्बे लाके रखे हैं। पता है क्या हुआ, धोखा हुआ। हमने पहले लोगों को बताया ना कि आपने जो है ना कुकिंग कॉम्पिटिशन है और आपने इस तरह करना, उन्होंने अपनी बीवी से मसाले बनवा के जेब में रखकर आ गए वो, और हमें पता नहीं चला, चुपके से देखियो में डाल दिए, कैमरे ने भी कैप्चर नहीं किया। इसलिए हमने कहा आइंदा से किसी सेलिब्रिटी को नहीं बताना, ठीक है? हम सब कुछ पहुंचेंगे तो घर से मसाले के पैकेट लेंगे। हाँ, और जीत गए। उसके बाद जब वो जीत गए तो उन्होंने कहा देखा मेरी बीवी के मसालों का कमाल, मैंने जेब में निकाल के छुपके। हाँ, एंड में प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं उस बंदे का नाम भी बता दूंगी, एक दिन आपको जरूर बताऊंगी। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।